तो अगर अनलिमिटेड बुफे की बात करूं तो अनलिमिटेड बुफे बहुत जगह खाया मैं, पर इतने रिजनेबल प्राइस में और इतने चीपेस्ट प्राइस में पहली बार खा रहा हूं और बहुत ही स्वादिष्ट है ये बोल सकता हूं मैं। साउथ इंडियन में ये जो बुफे दिया गया है ना आप लोगों को, भिलाई में पहली बार ऐसा बुफे लाया गया है और बहुत लोग पसंद कर रहे हैं भिलाई का। अभी तो एक ही दिन हुआ है इसको खुले हुए। हाँ, इतना पसंद कर रहे हैं कि कल जो 31st लास्ट नाइट थी जो, उसमें इतने मतलब हमको लगभग 2-3 बजे के बाद हमको मना करना पड़ा कि अब पॉसिबल नहीं है करके। और सबसे ज़्यादा डिमांड तो लेमन राइस और चिकन करी की बहुत ज़्यादा डिमांड। बताया ना जैसे आप लोगों को कि साउथ इंडियन जो है वो भिलाई वाले लोगों को बहुत ही ज़्यादा पसंद है और लोग अधिकतर यहाँ खाते ही हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपक सोनी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल दीपक सोनी ब्लॉग। स्वागत है आपका मेरे इस नए वीडियो में। इस नए वीडियो में मैं आपके लिए क्या नया लेके आया हूँ उसके लिए वीडियो को एंड तक देखिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, बेल आइकन को दबाना मत भूलना जिससे कि आपको मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहे। चलिए शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। आज के ब्लॉग में मैं आपको लेके आया हूँ भिलाई के जुनवानी रोड में और यहाँ मैं एक्सप्लोर कर रहा हूँ भिलाई का सबसे दूसरे नंबर का अनलिमिटेड बुफे और ये है ऑथेंटिक साउथ इंडियन बुफे जो आप लोगों के लिए लाया गया है भिलाई में। और बहुत ही अच्छा खासा जो वीडियो है मैं आप लोगों को पहले दे चुका हूँ इसके बारे में। आप लोगों में से बहुत लोगों का कमेंट आ रहा था कि इसका जो जेन्युइन फूड है वो दिखाइए मुझे करके, तो वही डेडिकेटेड वीडियो के लिए मैं आया हूँ और एक अच्छा सा फूड रिव्यू आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ यहाँ का। क्योंकि यहाँ की जो स्पेशलिटी है ना वो ये है कि आप लोगों को यहाँ पे अनलिमिटेड जो वेज बुफे है वो सिर्फ और सिर्फ 189 रुपीस में दिया जा रहा है और जो अनलिमिटेड नॉनवेज बुफे है वो 289 रुपीस में दिया जा रहा है और GST उसमें इंक्लूड नहीं है। जो प्राइस बोला गया है वही चीज़ दिया जाएगा, GST इसमें नहीं लग रहा है। आप लोगों को यहाँ आके अच्छा खासा यहाँ का अनलिमिटेड बुफे इन्जॉय कर सकते हो आप लोग। मैं आज दिखा देता हूँ कि क्या कुछ फैसिलिटी रहेगा यहाँ पर और क्या कुछ खास मिलता है अपने को। तो प्रॉपर एड्रेस की बात करूं तो ये आप लोगों को पड़ जाता है भिलाई के जुनवानी रोड में और इसको आप लोग ऐसे बोल सकते हो कि अपना ढाबा जो है ना जस्ट उसके फ्रंट पे पड़ता है रोड के इस साइड पे। एक और बोल सकते हो कि लैंडमार्क अपना अल लजीज के जस्ट अपोजिट साइड में। अम्मा की रसोई इसका नाम है जहाँ पे आप लोगों को वेज नॉन वेज साउथ इंडियन स्पेशल थाली भी है प्लस यहाँ पे अनलिमिटेड बुफे का भी ऑप्शन है। बोल सकते हो कि वेज में यहाँ पे 12 से ज़्यादा आइटम मिलेगा आप लोगों को प्लस नॉन वेज में ना 13 से ज़्यादा आइटम है। तो यहाँ आप लोग आ सकते हो, अंदर देखते हैं कि सिटिंग कैपेसिटी कैसा है। सिटिंग कैपेसिटी की बात करूँ तो आप लोगों को यहाँ पे जो सिटिंग कैपेसिटी है ना बोल सकते हो कि 30 से 40 बंदों का आराम से हो जाएगा और पार्टी हॉल भी है इनके पास में। सब चीज़ तो दिखाई दिया हूँ। आज इसका डेडिकेटेड वीडियो जो रहेगा जो मैं वादा किया था आप लोगों से वो इसके अनलिमिटेड बुफे का रहेगा जो कि वेज और नॉन वेज में क्या कुछ दिया जा रहा है अपने को। चलिए देखते हैं और फूड रिव्यू अच्छा खासा आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ इसका। तो श्री अम्मा रसोई में आप लोगों को मैं यहाँ से चालू करता हूँ बुफे दिखाना। वेज और नॉन वेज दोनों है बुफे में। एक एक करके सारा आइटम दिखाता हूँ कि क्या कुछ रहेगा। जैसे पापड़ हो जाता है, फिर सलाद हो जाता है, फिर ये नारियल का चटनी जो कि डोसा के साथ मिलेगा। पर डोसा अनलिमिटेड नहीं है ना, ये आप लोगों को लिमिटेड ऑप्शन है पर ब्रेकफास्ट में रखा गया है क्योंकि इनका रेस्टोरेंट भी चलता ही है। प्लस यहाँ पे है लेमन राइस जो कि फुल्ली अनलिमिटेड है, ये आप लोग वेज और नॉन वेज दोनों में इंक्लूड है ये। उसके बाद जो मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ यहाँ का है अपना मिक्स वेज सब्जी है जो कि वेज में आएगा। ये अपना हो जाता है फ्राई दाल, साउथ इंडियन टच दिया गया है इसमें। ये हो जाता है अपना बटर दाल, दाल की दो वैरायटी है यहाँ पे। और स्टार्टर में आप लोगों के पास में है मंचूरियन, कलर देख सकते हो बहुत प्यारा है यहाँ का मंचूरियन, बहुत बढ़िया है ना खाने में। और उसके बाद में अपने पास में है नूडल्स जो कि आज थोड़ा सा सॉस डाल के बनाया गया है, अलग ट्विस्ट दिया गया है। ऐसे ही आप लोगों को ना अलग अलग वेरिएंट मिलते रहेगा यहाँ पे। यहाँ पे हो जाता है नॉर्मल राइस जिसके साथ आप लोग चिकन ग्रेवी अंडा करी इंजॉय कर सकते हो यहाँ पे। यहाँ पे हो जाता है वेज में पालक पनीर और हो जाता है छोले और ये गाजर हलवा है। डेजर्ट यहाँ पे जो है ना यहाँ के बुफे में लिमिटेड रहेगा, डेजर्ट आप लोगों को अनलिमिटेड नहीं मिलेगा और ये वेराइटी चेंज होते रहेगा। किसी दिन शाही टुकड़ा, किसी दिन इनके पास में गुलाब जामुन आ जाएगा, अलग अलग वेरिएंट में आप लोगों को डेजर्ट ट्राई करने मिलेगा यहाँ पे। अचार भी दे दिया गया है, ये भी आइटम में इंक्लूड है ना। और ये हो जाता है रायता, ये हो जाता है रसम जो कि यहाँ के राइस के साथ आप लोग इंजॉय कर सकते हो। उसके बाद में आता है अपना चिकन ग्रेवी जो कि बटर चिकन अपना कि नॉर्मल चिकन करी है, ये ग्रेवी ठीक रखा गया है जिसको आप लोग यहाँ के राइस के साथ इंजॉय कर सकते हो। और यहाँ का राइस ही मेन है भाई, क्योंकि साउथ इंडियन में ना राइस की वैरायटी होती है तो अलग अलग राइस आप लोगों को हर दिन टेस्ट करने को मिलेगा। किसी दिन लेमन राइस हो जाएगा, किसी दिन गोभी राइस हो जाएगा और भी वैरायटी होगा आप लोगों के पास में।
ये एग करी का भी ऑप्शन है। तो नॉन वेज में अपने को मिल जाता है एग करी, चिकन करी और भी वेरिएंट है। तो ये हो जाता है यहाँ के बुफे का ना 12 प्लस आइटम जो लिखा हुआ था और 13 प्लस आइटम। तो बहुत ही रीजनेबल प्राइस में आप लोगों को यहाँ का बुफे मिल रहा है खाने को, और टेस्ट करके देखते हैं कि टेस्ट वैसा है कि नहीं। और यहाँ के ओनर भी है तो उनसे भी बात कर लेते थोड़ा बहुत। तो सर बताइए कि ये तो हो गया आज का आइटम, इसमें क्या क्या इंक्लूड करेंगे? सर इसमें डेली के हमारे मेन्यू चेंज होते रहते हैं, जैसे कभी पालक कॉर्न है, आज पालक पनीर है तो कभी पालक कॉर्न होगा, और राइस में वैरायटी, कभी पुल्हारा में, कभी लेमन राइस है, कभी टमाटो राइस भी है, कभी गोभी राइस भी है। राइस में आपको चेंजेस मिलते रहेंगे लगातार, और जो सब्जियाँ हैं एक सीजनेबल सब्जियाँ भी रहेंगी, और साथ में पनीर का ऑप्शन तो हमारे पास हमेशा से रहेगा। आज चिकन करी है, जैसे आज हमने बटर दाल आज किया हुआ है, नया लाया हुआ है, सांभर आपको डेली मिलेगा यहाँ पर, और कभी बटर चिकन होगा, कभी चिकन मसाला होगा। तो ये चिकन में भी वेरिएंट आपको हर दिन अलग अलग मिलेंगे। अच्छा, बटर चिकन होगा किसी दिन, पालक चिकन भी, हाँ अलग अलग तो चिकन्स भी अवेलेबल रहेंगे। तो साउथ इंडियन में ये जो बुफे दिया गया है ना आप लोगों को, भिलाई में पहली बार ऐसा बुफे लाया गया है, और बहुत लोग पसंद कर रहे हैं भिलाई का, अभी तो एक ही दिन हुआ है इसको खुले हुए। हाँ इतना पसंद कर रहे हैं कि कल जो 31st लास्ट नाइट थी जो, उसमें इतने मतलब हमको लगभग 2-3 बजे के बाद हमको मना करना पड़ा कि अब पॉसिबल नहीं है करके। और सबसे ज़्यादा डिमांड तो लेमन राइस और चिकन करी की बहुत ज़्यादा डिमांड है। बताया ना जैसे आप लोगों को कि साउथ इंडियन जो है वो भिलाई वाले लोगों को बहुत ही ज़्यादा पसंद है, और लोग अधिकतर यहाँ खाते ही हैं। और मटन का बहुत बार मेरे को जिक्र आ रहा था कि मटन रख रहे हैं कि नहीं रख रहे हैं करके। हाँ मटन ऑन डिमांड में है, और अगर मीट अगर होगा तो उसका प्राइस थोड़ा सा इंक्रीज होगा। तो मटन अगर किसी को मतलब मान के चलो शाम को खाना है मटन, तो आप लोगों को कॉल करके बता दे एक बार, प्राइस थोड़ा सा इंक्रीज हो जाएगा। क्या प्राइस होगा और क्या कॉन्टैक्ट नंबर है आपका, दोनों डिटेल शेयर कर दीजिए। प्राइस लगभग 499 के आसपास होगा, और कॉन्टैक्ट आप अम्मा रसोई जुनवानी रोड में अपना ढाबा के सामने में, और मेरा मोबाइल नंबर है 8269493685। आप कभी भी मुझे मॉर्निंग में कॉल करेंगे तो इवनिंग में मिल जाएगा, या आज बताएंगे तो आपको कल मॉर्निंग में भी। ब्रेकफास्ट भी अनलिमिटेड है अपने यहाँ का? नहीं ब्रेकफास्ट लिमिटेड है, लिमिटेड है। और अपना स्पेशल थाली में भी यही सब आइटम रहेंगे, कुछ अलग आइटम रहेंगे? उसमें अप्रोक्सली 20 आइटम्स हैं, 21 प्लस आइटम भी हो सकते हैं। राइस उसमें बहुत सारे 5-6 प्रकार के राइस हैं, और ट्रेडिशनल सब्जियां भी मिलेंगी। और यहाँ सिर्फ अनलिमिटेड बुफे नहीं है, आप लोगों को पहले ही बता दूँ, यहाँ आप लोगों को ना अनलिमिटेड बुफे के अलावा इनका रेस्टोरेंट फैसिलिटी भी मिलता है, जिसमें आप लोग ये सब आइटम इंडिविजुअल ट्राई कर सकते हो। और बहुत ही बढ़िया ऑप्शन अपने पास में यहाँ पे भिलाई में खुल चुका है, तो ट्राई करना तो बनता ही भाई, यहाँ पर आके टेस्ट करके देखते हैं कि टेस्ट में कैसा रहता है यहाँ का अनलिमिटेड बुफे। तो अगर अनलिमिटेड बुफे की बात करूं तो अनलिमिटेड बुफे बहुत जगह खाया मैं, पर इतने रिजनेबल प्राइस में और इतने चीपेस्ट प्राइस में पहली बार खा रहा हूं, और बहुत ही स्वादिष्ट है ये बोल सकता हूं मैं, देखने में ही लग रहा है अपने को। और ऑथेंटिक साउथ इंडियन बुफे आप लोगों को टेस्ट करने मिल रहा है भिलाई में पहली बार, तो आप लोगों का भी आना बनता है और ट्राई करना बनता है। एक एक करके ट्राई करता हूं और आप लोगों को बताता हूं कि यहां का वेज और नॉन वेज दोनों ही कैसा टेस्ट है। और यहां की सुविधा एक और भी है, जैसे दो बंदे आ रहे हो और दोनों को लग रहा है कि मैं एक पूरा नहीं खा पाऊंगा अनलिमिटेड बुफे, तो आप लोग एक ही प्राइस में दो जगह करा सकते हो उसको। ये सब यहाँ की खासियत है, मतलब जैसे आप बोलोगे वैसा यहाँ पे मैनेज हो जाएगा। सबसे पहले यहाँ पे ट्राई करके देखते हैं यहाँ का लेमन राइस, जो कि मेरा सबसे ज़्यादा फेवरेट है साउथ इंडियन में। ये बोल सकता हूँ कि राइस की क्वालिटी अच्छा है, और टेस्ट एकदम हटके आ रहा है, साउथ इंडियन टच मिला है इसमें। चिकन का एक बाइट लेके देखते हैं, आसानी से टूट जा रहा है चिकन, अच्छे तरीके से पकाया गया है। मतलब ऐसा है ना कि चीपेस्ट प्राइस में दिया जा रहा है, तो ऐसा नहीं है कि कुछ भी दे दो, सब चीज़ में स्वाद बरोबर दिया जा रहा है। चपाती का भी ऑप्शन अवेलेबल है, डेजर्ट में आप लोगों के पास में गाजर हलवा हो जाता है, कभी गुलाब जामुन रहेगा, कभी शाही टुकड़ा रहेगा, पर एक ही आइटम रहेगा और उसको आप लोग एक बुफे में एक बार ही ले सकते हो। बाकी अपने पास में नॉन वेज में हो जाता है एग करी, चिकन करी भी है यहाँ पर, सब चीज़ तो दिखाई दिया हूँ आप लोगों को। चिकन का ऑप्शन अच्छा था, चिकन के ग्रेवी के साथ इसको ट्राई करके देखते हैं। जो अगर राइस और ग्रेवी खाने के शौकीन है ना नॉन वेज में, उनके लिए बेटर ऑप्शन है। वेज में अपने पास में बहुत सारा सब्जी हो जाता है, दाल भी है, बटर दाल यहाँ पे यूनिक मिला मेरे को, पालक पनीर हो गया, छोले हो गया, जो कि पंजाबी कैटेगरी का ना छोले, साउथ इंडियन में पंजाबी ट्विस्ट यहाँ पे मिलेगा आप लोगों को, रायता हो गया। अगर सबको एक एक करके खा के बताने लगूँ तो वीडियो लंबी होगी,
जो कि आप लोगों को थोड़ा सा देखने में प्रॉब्लम भी होगा, टेस्ट बहुत बढ़िया है मैं बता सकता हूँ। आप लोग भी आइए, यहाँ का बुफे ट्राई करोगे ना तो तारीफ करोगे, और एक बार आओगे तो बार बार आओगे। हर वीकेंड आप लोगों का मन करेगा कि अम्मा रसोई में पहुँचे और यहाँ का बुफे ट्राई करें। तो इसी के साथ आज का वीडियो एंड करता हूँ। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, कमेंट करना मत भूलना कि आप लोगों में से कौन कौन आया है और यहाँ का अनलिमिटेड बुफे एंजॉय किया है। और साथ में एक चीज़ और बताना भूल गया मैं कि यहाँ पे ना आप लोगों को रेस्टोरेंट फैसिलिटी भी मिलता है। मेन्यू आप लोगों के स्क्रीन पे आ रहा होगा, तो आप लोगों को यहाँ पे आके सिर्फ और सिर्फ साउथ इंडियन कुछ कुछ आइटम खाना है ना, वो भी बहुत ही रिजनेबल प्राइस में दिया जा रहा है। न्यूली ओपन हुआ है ये, तो रिजनेबल प्राइस में आप लोगों को अच्छा खाना, ये तो भिलाई की खासियत है, एकदम रिजनेबल प्राइस में आप लोगों को यहाँ ना अच्छा अच्छा खाना मिल जाता है, तो ट्राई कर सकते हो। मैं अभी तक जितना भी बुफे खाए ट्राई किया हूँ ना, मेरे को सबसे ज़्यादा अच्छा टेस्ट यहीं का लगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में ऐसे ही किसी अच्छे लोकेशन के साथ में। आज के लिए वीडियो बंद करते हैं।